वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गढ़ा थाना अंतर्गत फिर चली गोलियां। शक्तिनगर इलाके के बदनपुर स्थित केवीएम चौक के पास श्रीपाल डेयरी के सामने की है घटना, जहां तीन बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद था, जहां आरोपी सिद्धांत चक्रवर्ती, सागर चक्रवर्ती और दीपक चक्रवर्ती ने रतन बर्मन नामक युवक को मारी गोली। गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए 24 वर्षीय रतन बर्मन को मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गढ़ा पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी भैया, क्या घटना हुई है? घटना यह है सर कि पुरानी रंजिश लेने के बाद से सागर चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती और दीपक चक्रवर्ती, हम लोग का कोई मैटर नहीं रहा। हाँ। कोई मैटर नहीं रहा हम लोग का, बस क्या है, अमन कंजा का मैटर रहेगा। अमन कंजा ने बहुत पहले उसको चाकू मारी थी, किसको? सोनू कोरी को। ठीक है, सोनू कोरी, अमन कंजा मेरी बहन से प्यार करता रहा। ठीक है, मेरी बहन से प्यार करने के बाद क्या है, हम लोग का कोई रिलेशन हम लोग का नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अलग रहता हूँ, मेरा भाई होटल चलाता है। उस विवाद से अमन कंजा मेरी बहन का नाता जाता रहा, उस विवाद से इसने मेरे भाई को चाकू मारी रही, गोली चलाई इसने। इस विवाद से किन किन ने गोली चलाई, कौन कौन थे? गोली चलाया सिद्धांत चक्रवर्ती ने, सागर खड़ा रहा और दीपक खड़ा रहा, जिन तीनों भाई रहे। ये लोग पहले से दो तीन चक्कर घूमे फिरे वहाँ, तो कोई ऐसा डाउट नहीं हुआ कि भाई आते जाते रहे। पहले भी दुकान में भाई बंदी कहीं बातें चीत तलाव रहती रही, तो आते जाते रहे लोग, तो ऐसा कोई शक नहीं हुआ मेरे छोटे वाले को कि लोग इस विवाद से आए। उसके बाद से तीन फायरिंग करी इसने, दो कारतूस मेरे बच्चे को मिले गए हैं, तो वो पुलिस के द्वारा उसको दिया गया है, उसको मेरे बच्चे को। पुलिस भी वहाँ जांच पड़ताल करी, वहाँ गवाह भी मिले गए हैं। और हम लोग को कोई मतलब नहीं है सर कि हमें कोई विवाद नहीं करना। ये चीज़ CSP साहब के सामने भी गढ़ा थाने में हुआ रहा, हमने आवेदन दिए रहे कि सर ये कोई भी चीज़ में फंसा सकता, कोई भी घटना कर सकता है हम लोग के साथ। तो इसने आज ये घटना का वार्तालाप दे दिया है, हमारे भाई को गोली मारी इसने। और मेडिकल में कोई जानकारी कुछ नहीं हो रही, एक बजे से मेरा भाई अभी तक गोली नहीं निकली उसकी, और बोलते हैं कि 50 जाँचें होगी तब गोली निकलेगी। कितने बजे की घटना है? घटना ये 12:30 बजे के करीब की घटना। किसको लगी है गोली? मेरे भाई रतन बर्मन को लगी है घटना। क्या उम्र होगी उसकी? उम्र है 24 साल। कहाँ की घटना है? शक्तिनगर बदनपुर, अपने श्रीपाल डेयरी के सामने। आपका नाम? मेरा नितेश वर्मा। कौन लगते हो आप? मैं भाई हूँ उसका, बड़ा भाई हूँ मैं। सर एक घटना हुई है आज, गोलीबारी हुई है यहाँ KVM चौक के पास। एक चाय का टपरा लगाते हैं रतन बर्मन, उनको गोली मारी गई है। तो जैसे ही हमें पता लगा, हमारी टीम एक्टिव हुई है, इसके 307 के अंतर्गत अपराध कायम किया है। तीन आरोपी इसमें सामने आ रहे हैं, सागर चक्रवर्ती, सिद्धार्थ चक्रवर्ती और दीपक चक्रवर्ती, उनकी तलाश जारी है, जल्दी वो निकल लेता है। मारने की क्या वजह थी? इनका पुराना विवाद है इन लोगों का, ये एक दूसरे पर गायन भी कराते रहे हैं, पहले भी आपस में चाकूबाजी हुई है। ये अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, पुराने पूर्व के अपराधी हैं और इस वजह से इनका अलग अलग गुटबाजी के कारण विवाद है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।